फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। मैं तनु शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट बाइट की बॉलीवुड गॉसिप में। तो कौन से बॉलीवुड एक्ट्रेस की बहन ने की बॉलीवुड में एंट्री? आखिर क्यों अपनी ही फिल्म चेहरे के पोस्टर से गायब है मेन लीड रिया चक्रवर्ती का चेहरा? कौन सी एक्ट्रेस करेंगी जयललिता बन पर्दे पर राजनीति? जानने के लिए देखिए हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। कई बेहतरीन फिल्मों में काम कर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाने वाली कैटरीना कैफ के बाद अब उनकी छोटी बहन इसाबेल कैफ भी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। जी हाँ, इसाबेल की फिल्म टाइम टू डांस का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये एक डांस थीम बेस्ड फिल्म है। इस फिल्म में सूरज पंचोली इसाबेल का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। सूरज इस फिल्म में इसाबेल के प्यार में पड़े नजर आएंगे, साथ ही इसाबेल के एक्स डांस पार्टनर को कड़ी टक्कर और मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। अब कैसी होगी ये फिल्म, क्या जीत पाएगी कैटरीना की बहन लोगों का दिल, अब ये तो फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चलेगा। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सी गई है। जो एक्ट्रेस पहले सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी, अब कैमरे से बचने की कोशिश करती हैं। और अब ड्रग केस में फंसी हुई रिया चक्रवर्ती अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश लगातार कर रही हैं। बता दें कि अब उनकी फिल्म चेहरे को इस साल 30 अप्रैल को रिलीज किया जाना है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि चेहरे फिल्म के पोस्टर से रिया का चेहरा ही गायब कर रखा है। ये फिल्म पिछले साल ही रिलीज होने वाली थी और अब ऐसे में पोस्टर से रिया को दूर रखना हैरान करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रिस्टियन ने रिया को रिप्लेस किया है? अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि फिल्म के मेकर्स इस बात पर क्या कुछ सफाई देते हैं। अब अगर बात करें हमेशा विवादों में रहने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत की, तो वह जल्द ही सिनेमा घर में धमाकेदार अंदाज में नजर आएंगी। जी हाँ, उनकी फिल्म थलाइवी 23 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज के लिए तैयार है। दरअसल फिल्म के मेकर्स ने यह घोषणा बुधवार को अभिनेत्री से नेता बनी जयललिता की 73वीं जयंती के मौके पर की। फिल्म में उनके जीवन को दर्शाया गया है और वहीं कंगना के फैंस के लिए एक बड़ी खबर यह है कि कंगना इस फिल्म में मुख्य किरदार यानी जयललिता का किरदार निभाती हुई नजर आने वाली हैं। और अब कंगना के फैंस को कंगना का ये नया राजनीति वाला अंदाज कैसा लगता है, ये तो फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा। तो आज की बॉलीवुड गॉसिप में बस इतना ही। हमारी बॉलीवुड की ऐसी मसालेदार और चटपटी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल फर्स्ट बाइट। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।